अगर कांग्रेस को या भाजपा को वोट नहीं दे जाओगे कश्मीरी खा जाएंगे। नतीजा आज जब हम देखते हैं 72 साल के बाद ये सब हमको ही खा गए, या हमको ही नहीं हमारे बच्चे को ही खा। इन सियासतदानों के बच्चे बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े ठेकेदार, आप सब यहीं के रहने वाले हैं। इनके पास जिनके पास घर नहीं थे वो आज महलों के मालिक बन गए, ये कहां से हुआ? तो आपका खून पसीना है, तो मेरा खून पसीना है, तो हमारे इन बच्चों का खून पसीना है। लेकिन फिर भी जब इलेक्शन आता है एक खित्ते में लोग कहते थे बायकॉट करो, वो उनके जो बैकर्स थे वो बायकॉट कराते थे, अपने लोगों को जितवाते थे। दूसरे खित्ते में कहते हैं मजहब खतरे में पड़ गया, अगर अगर तुम वोट नहीं दे दोगे इस जमात को मजहब खतरे में पड़ जाएगा। एक वो राज्य था जो ब्रिटिश इंडिया में जो सबसे बड़ी रियासत इस मुल्क में थी। हम छोटी बातें नहीं करते, जो ब्रिटिश इंडिया में सबसे बड़ी रियासत थी जिसकी सीमाएं लखनपुर से लेकर गिलगित तक थी, आज उस रियासत को तोड़ के एक छोटा सा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एक राज्य भी हम नहीं है इस भारतवर्ष में आज। ये कोई डिसएम्पावरमेंट किसी रीजन की नहीं है, ये डिसएम्पावरमेंट जो है ये यहां के आम नागरिक की है। वोट दे रहा है तो फिर 5-5 साल के बाद इलेक्शन की जरूरत क्या है? इलेक्शन इसलिए की जाती है कि जिस शख्स को आपने पहले वोट दिया अगर उसने आपका काम नहीं किया तो अगली बार आप दूसरे कैंडिडेट को। ये नौजवान जो आज आपके सामने साहिब भारती, ये पढ़ा लिखा मेहनती दिन रात मेहनत कर रहा है, आपके घर घर जा रहा है, आपके गांव गांव जा रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं आपने जो इसके मुकाबले में जो कैंडिडेट आएंगे उनको आपने पहले भी देखा, उनको आपने परखा है, वो बाहर के लोग हैं, वो इस कंस्टिट्यूएंसी से संबंधित नहीं है, ये पार्ट